टाइम टीचेस यू मैनी लेसन इन लाइफ, थिंग्स वन गोन नेवर कम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजिकल कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, दे आर रेगुलर कॉलिंग मी और रेगुलर सेंडिंग मी ईमेल। सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब, सो आई थिंक नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी ऑन यूट्यूब। सो गाइस, एक ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा, और ये वीडियो आने वाले वीडियो के साथ कनेक्टेड होगा। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या जो लोग नहीं भी सीखना चाहते पर नॉलेज लेना चाहते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो उनके लिए आई थिंक ये मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे पास है कुछ थोड़ा सा ज्ञान, जो भगवान की देन है, वो मैं आप लोगों के साथ बांटूँ, क्योंकि ज्ञान वो है जो बांटा जाए और पैसा वो है जो चैरिटी दी जाए। सो आज मेरा ये एक छोटा सा एफर्ट है, आई होप कि आपको ये समझ आएगा। और अगर ये चीज़ आपको समझ आती है तो आप समझें कि आप भगवान की ब्लेसिंग्स के बहुत पास हैं, क्योंकि नॉलेज सिर्फ उन लोगों को मिलती है या नॉलेज उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो लोग भगवान के पास होते हैं, यानी भगवान के पास जिनके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को लेकर नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोचते हैं, बट मेरा ये मानना है एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। आई गिव यू वन एग्जांपल, अगर आपके फिंगर से ब्लड निकला तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, या आप मंदिर में, गुरुद्वारे में या चर्च में जाएंगे, आप अल्लाह को बुलाएंगे नीचे या लॉर्ड शिवा को बुलाएंगे कि भगवान ये मेरे फिंगर से ब्लड निकल रहा है तो मेरे को आगे आप ड्रेसिंग करो। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, भगवान भी बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे ऊपर से, या भगवान शिव बोलेंगे ऊपर से, जिनको भी आप मानते हो, ऊपर से आपको आवाज़ आएगी, मूर्ख प्राणी, मैंने नीचे डॉक्टर आपके लिए बनाए हैं, सो आप कृपा डॉक्टर के पास जाएं और अपनी ड्रेसिंग कराएं, मेरी वेट ना करें, मैं नीचे नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास और भी काम है, मैंने और लोगों को भी देखना है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी जो हमारा ब्लड निकल रहा होगा फिंगर से, हम उस पर ड्रेसिंग करवाएंगे। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी एक वे है आपकी लाइफ को बेटरमेंट की ओर लेके जाने का, एक इनलाइटमेंट की ओर लेके जाने का, एक ऐसी लाइट है कि आप एक यू नो बंद कमरे में, डार्क बंद कमरे में आप फंसे हो, यू नो आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अचानक एक लाइट बर्न होती है, एक दिया बर्न होता है और आप फटाफट उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक दैट। सो गाइस, आज ये जो मेरा वीडियो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपके बर्थ चार्ट में, जैसे कि आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि जब हम एस्ट्रोलॉजी को रीड करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ें आती हैं, इसमें सबसे पहले चीज़ें आती हैं 12 हाउसेस, 12 ज़ोडिक साइंस और 9 प्लैनेट्स एंड 27 नक्षत्र। आई रिपीट दिस, 12 houses, 12 zodiac signs, 9 planets and 27 nakshatra. This is all combination of astrology. This is all combinations of, you can say ki astrology ki reading ko start karne pe. हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कितने प्लैनेट हैं, कितने हाउसेस हैं, कितने ज़ोडिक साइंस हैं, कितने नक्षत्र हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ और ज़्यादा चीज़ें क्लियर करूंगा और आपको और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको कुछ क्लैरिफाई होगा कि हाँ एस्ट्रोलॉजी कहाँ पर काम करती है और कहाँ पर एक इंसान को हेल्प करती है लाइफ को और अच्छा करने के लिए, लाइफ को और सेटल करने के लिए। सो गाइस, आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में हो तो उसका क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं और हर एक हाउस का कुछ ना कुछ अपने यू नो सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें हैं जो हर एक घर लेकर बैठा हुआ है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनैलिटी, फर्स्ट हाउस है आपका अपेयरेंस, फर्स्ट हाउस है आपकी हाइट, आपकी स्मार्टनेस, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका दिमाग, आपका शार्प माइंड, आपके फिजिक्स, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे लगते हो, ये आपका फर्स्ट हाउस है। कितने स्मार्ट हो आप, कितने अगली हो, कैसा प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है, उस तरह की आपके लुक्स होंगे, कैसा असेंडेंस है आपका, यानी कि फर्स्ट हाउस में कौन सा ज़ोडिक साइन है, उसके अकॉर्डिंग्स आपके लुक होंगे, उसके अकॉर्डिंग्स आपका जिसको बोल सकते हैं सामने वाले के ऊपर आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, वो भी आपका फर्स्ट हाउस है। आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, व्हेन यू आर टॉक विद समवन, व्हेन यू आर सिटिंग विद समवन, तो आप उसको कितना इंप्रेस कर पाते हो, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है सामने वाले को अपनी ओर इंप्रेस करने की, वो भी फर्स्ट हाउस है। सो वाइज हर एक हाउस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। जैसे सेकेंड हाउस है बर्थ चार्ट का, वो आपका फाइनेंस है,
आपका सेविंग्स है, आपका ज्वाइंट फैमिली है, आपका खाने पीने की हैबिट्स हैं, आप क्या खा रहे हो, आप बड़े चाव से खाते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो, वो भी आपका सेकंड हाउस है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी वॉइस है। मैंने देखा है कुछ लोगों की वॉइस बड़ी अट्रैक्टिव होती है और वो लोग कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा अच्छा बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जी लगाते हैं और जी ही सुनते हैं, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस जो है वो किसी अच्छे बेनिफिट प्लैनेट से हेम्ड है, या कुछ ऐसे प्लैनेट्स वहाँ पर बैठे हैं जो उस बंदे को ये बोलते हैं कि नहीं भाई, जो भी तू मुँह से निकाल, कुछ अच्छे शब्द मुँह से निकाल। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हर एक वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट की टिप्स बताऊंगा, और इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड डिफरेंस हाउस में हो, यानी फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक हो, तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो दिखने में तो आप बड़े स्मार्ट होंगे, जिम के बड़े शौकीन होंगे, आपको योगा या जिम से बड़ा प्यार होगा, आपके मसल्स बड़े हेल्दी होंगे, आपकी अपीयरेंस बड़ी ज़बरदस्त होगी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। यू नो, अगर किसी गर्ल का चार्ट है या किसी वुमेन का चार्ट है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट ही हाउस में प्लेस्ड होगा, और अगर वो लाइक वो प्लैनेट वीनस हो, लाइक टॉरस असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, वर्गो असेंडेंस है, एक्वेरियस असेंडेंस है, अगर ऐसा है और किसी गर्ल का चार्ट है, वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, यानी कि बोल सकते हैं कि शायद एक ऐसी खावतून होगी, एक ऐसी खूबसूरत यू नो अदाएँ होंगी, या ऐसी गुड लुकिंग होगी कि पीपल आर वेरी ईजिली अट्रैक्ट लाइक। सो अगर मेल का चार्ट है और अगर आपका एरिस असेंडेंस है, स्कॉर्पियो असेंडेंस है, लियो असेंडेंस है, या आपका बोल सकते हैं कैंसर असेंडेंस है, या आपका कैप्रिकॉन असेंडेंस भी है, कैप्रिकॉन भी आप रहने दें, आप सैजिटेरियस को पकड़ लें, सैजिटेरियस असेंडेंस है, तो आप बड़े नॉलेजेबल हैं, बड़े ज़्यादा स्किल्स आपके अच्छे होंगे, आप बहुत ज़्यादा फिट महसूस करेंगे अपने आप को, आप जिम योगा के शौकीन होंगे, आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा यू नो हमेशा अलर्ट रहेंगे कि नहीं यार मेरे को मेरी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, मेरे को दिन में एक दो घंटे अपनी हेल्थ पे लगाने हैं, या मेरी कुछ फिजिकली प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलूँ। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस पे है, तो यहाँ पर आपके अंदर बड़ी एनर्जी होगी, बड़े टैलेंटेड हो गए आप, और आपके जो अपेयरेंस हो गए बड़े ज़बरदस्त हो गए। अगर जुपिटर है आपके फर्स्ट हाउस में, तो आप थोड़े से फैटी भी हो सकते हो, क्योंकि जुपिटर चर्बी को रिप्रेजेंट करता है, एक्स्ट्रा फैट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मार्स है आपके फर्स्ट हाउस में, या आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, एरीज असेंडेंस है, और मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपके अंदर बड़ी एनर्जी होगी, गजब की एनर्जी होगी, इंटेलिजेंट भी होगे, एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, एकदम से भड़क उठोगे, बड़ी जल्दी लोगों से लड़ना शुरू कर दोगे, यानी कि अग्रेशन होगा, इंपल्सिव नेचर होगी, लेकिन इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मार्स इंटेलिजेंट बनाता है इंसान को, लेकिन ऐसे इंसान का अपने आप के ऊपर कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। अगर टॉरस असेंडेंस है या लिब्रा असेंडेंस है, आपकी लव मैरिज होगी, अपने आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप शादी करेंगे, आपकी मैरिज लाइफ बड़ी सक्सेसफुल जाएगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगी, अगर टॉरस असेंडेंस है या लिब्रा असेंडेंस है, और वीनस अगर आपके फर्स्ट हाउस में है। सो गाइस, आप ये समझ के चलें कि डिफरेंट असेंडेंस के हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, और कैसे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। सो अगर आपका पहला घर, पहले हाउस का लॉर्ड पहले हाउस में ही है, यानी फर्स्ट लॉर्ड प्लेस इन योर फर्स्ट हाउस, यू विल श्योरली ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ, एंड यू विल श्योरली ब्लेस्ड विद अ यू कैन से कि गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। और अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में है, आपके पास सेविंग्स बड़ी होंगी, आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट बड़ी मिलेगी, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करेगी, आप ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे। इफ़ योर फर्स्ट लॉर्ड इज़ इन सेकंड हाउस, खाने पीने का बड़े शौकीन होंगे, और आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव होगी, व्हेन यू स्पीक समथिंग पीपल आर अप्रिशिएट यू, पीपल आर अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, इफ़ योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड प्लेस इन योर सेकंड हाउस। अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा, आपकी विल पावर्स बड़ी अच्छी होंगी, आप एक जिसको बोलते हैं कि आपके अंदर भुजबल बड़ा होगा, या बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बड़े अच्छे होंगे, आप बड़े कैलकुलेटिव होंगे, यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाइप अच्छे होंगे, सोशल सर्कल आपका अच्छा होगा। एंड अगर इफ़ योर फर्स्ट लॉर्ड इज़ इन फोर्थ हाउस, तो आप पेरेंट्स से ब्लेस्ड रहेंगे, इनहेरिटेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी आप बड़ी बनाएंगे लाइफ में, आपके पास पैसा भी होगा, आप अच्छे से अच्छा व्हीकल बाय करेंगे, जो भी आपका डिज़ायर है कि मेरे को BMW लेनी है, या मेरे को जो भी बड़ी से बड़ी गाड़ी लेनी है, वो आप अपनी लाइफ में बड़ी जल्दी और बड़ी इजीली अचीव कर जाएंगे, इफ़ योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड प्लेस इन योर फोर्थ हाउस। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर रहेंगी, स्पेशली मदर के साथ टाइअप्स आपके बड़े अच्छे रहेंगे, या मदर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहेंगे। और अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाता है,
यू बिकम वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आप हायर डिग्री को हासिल करेंगे, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि स्टडी को बेसिस बना के लाइफ में आप अपने करियर को आगे लेके चलेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप मैं बोल सकता हूँ अगर फर्स्ट हाउस आप लॉर्ड अगर फिफ्थ में है, आप एक्टर भी बन सकते हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़ सकते हैं, मीडिया से जुड़ सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं। सो गाइस, जैसे जैसे आपके फर्स्ट हाउस की जो जो प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता रहेगा कि आदमी का लाइफस्टाइल कैसा है, इसकी फिजिक कैसी है, इसकी अंदर स्किल्स कैसे हैं। सो उसी तरीके से अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में चला जाएगा, क्योंकि ये त्रिक भाव है, यहाँ पर थोड़े से चीज़ों को हम 80% 70% इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, 30% हम इसको पॉजिटिव भी कंसीडर करते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पर ये होगा कि आप छोटी उम्र में आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे, कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड ट्रबल आपको रहेगी, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। और अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको कुछ लाइफ में लॉसेस बार बार होते रहेंगे, आपके ऊपर डेब्ट्स होते रहेंगे, कर्ज की स्थिति आपके ऊपर बनी रहेगी अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है। अब अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में है तो आपका स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, लव मैरिज भी आपकी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिजनेस पार्टनर एंड लाइफ पार्टनर विल बी अल्टीमेट। आपका जो स्पाउस होगा आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए सपोर्टिंग होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। और अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में चला गया, यहाँ पर भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा चीज़ें वैसी काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपके एट्थ हाउस में है तो यहाँ पर आप ये समझ के चलें कि मिलेगा सब कुछ आपको लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल के बाद, हर्डल्स के बाद ईजी आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी और आप अपने घर से कहीं दूर जाकर रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन सेटल हो जाएं, अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में है, फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, या आप किसी कारण जॉब के कारण आप फॉरेन में चले गए, घर से दूर चले गए। और अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, कुटुंब से अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, पिता के साथ आपकी बहुत बनेगी, पिता की लॉन्ग एज होगी, पिता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहेंगी, फादर आपके लिए लविंग केयरिंग होंगे, आपको आपके लिए सपोर्टिंग होंगे और आप अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग और सपोर्टिंग होंगे। अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, आप फॉरेन सेटलमेंट कर सकते हो, फॉरेन में सेट हो सकते हो, या आपकी विश होगी कि मैं फॉरेन में सेटल हूँ। रिलीजियस जर्नी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा करेंगे, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं, या फॉरेन में आपकी सेटलमेंट हो सकती है, या आपने जैसे यहाँ पे यू नो स्टडी की, उसके बाद आपका प्लान बन गया कि यू वांट टू गो सेटल इन फॉरेन फॉर बेसिस ऑफ योर स्टडी, तो स्टडी बेसिस के लिए हायर स्टडी का जो हाउस है, फॉरेन स्टडी का जो हाउस है, वो नाइन्थ हाउस है। सो इफ योर फर्स्ट लॉर्ड इज इन नाइन्थ हाउस, यू विल श्योरली सेटल इन फॉरेन लैंड रिलेटेड टू योर एजुकेशन, रिलेटेड टू योर वर्क। सो अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड टेंथ में है तो आप बिजनेसमैन बनेंगे और आप बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, आपके पिता के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आप मल्टीपल यू नो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में रहेगी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में। अगर आप जॉब करते हो, यहाँ पर ये नहीं है कि अगर फर्स्ट लॉर्ड टेंथ में है तो आप सिर्फ बिजनेस ही करेंगे, ऐसा नहीं है, आप जॉब भी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी बन सकते हो, या आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जिससे आपके पास हमेशा फाइनेंसेस रहेंगे, हमेशा बिजनेस को लेकर आप ग्रोथ करोगे, या जॉब को लेकर आप प्रमोट होते रहोगे, या आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे इफ़ योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज इन योर टेंथ हाउस। उसी तरीके से अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इलेवंथ में चला गया तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, आपको दुनियादारी की चीज़ों से बहुत प्यार होगा, आपको पैसे से, यू नो गहनों से, ज्वेलरी से। अगर आप एक लेडीज़ हो, एक लड़की का चार्ट और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इलेवंथ में है तो वो बड़ी मटेरियलिस्टिक हो जाएगी, उसके पास सेविंग्स होनी चाहिए, हर समय उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी, छोटी उम्र में ही आप बिजनेस कर लोगे या जॉब कर लोगे। अगर किसी मेल का भी चार्ट है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इलेवंथ में है तो उसका भी जो फोकस होगा ना लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की ओर रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की ओर रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी की ओर रहेगा। एक और प्लस पॉइंट है, इफ़ योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज इन योर इलेवंथ हाउस, यू हैव अ बिग सोशल सर्कल। आपका जो सोशल सर्कल है, आपका जो दायरा है लाइफ में दोस्तों का, वो या नॉन पर्सन का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। या कुछ ऐसे प्रोफेशन में आप होंगे जिसमें आप रोज नए लोगों से मिल रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, और उनके साथ आपके टाई अप्स या ट्यूनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है। सो इफ फर्स्ट लॉर्ड इज इन इलेवंथ हाउस, यू बिकम वेरी मटेरियलिस्टिक, आपके अंदर से इन यू नो स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ी सी होगी, आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं वो आपके लिए सपोर्टिंग होंगे। अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इलेवंथ में है तो आप खुद ही बड़े, भाई बहनों में खुद ही सबसे बड़े होंगे, और आप हमेशा अपने भाइयों को, बहनों को सपोर्ट करोगे। ये भी एक यू नो एक मत है एस्ट्रोलॉजी का।
सो गाइस, 11th हाउस हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, हमारी डिजायर्स को फुलफिल करता है। आपकी डिजायर है कि आप एक मीडियम फैमिली में पैदा हुए या एक स्ट्रगलिंग फैमिली में पैदा हुए, तो आपका 11th हाउस स्ट्रांग है या आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में है, तो आप अपने एफर्ट से लाइफ में बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगे। आपके सारे विशेज, आपके सारे डिजायर्स फुलफिल होंगे। आप 11th हाउस में अगर कोई प्लैनेट लेकर पैदा हुए हैं तो ये समझ लें एक तरह का आप राजयोग लेकर पैदा हुए हैं अपने चार्ट में। उसी तरीके से अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 12th में चला गया तो आप फॉरन सेटल होंगे, आप घर से दूर जाएंगे, ये तो डेफिनेटली श्योर है, फॉर श्योर है। अगर आपके चार्ट में आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में है, यू विल सेटल इन अब्रॉड, यू विल सेटल इन फॉरन लैंड। एंड आप अगर अपने मुल्क में रहेंगे, अपनी बर्थ प्लेस में रहेंगे, तो आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे, आपको लाइफ में हर्डल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप फॉरन चले जाएंगे, फॉरन सेटलमेंट का प्लान कर लेंगे या फॉरन जाकर कुछ करने की सोचेंगे, तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगी और आपका लॉन्ग यू नो फॉरन सेटलमेंट रहेगा इफ़ योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन योर 12th हाउस। अगर आप अपने नेटिव लैंड, बर्थ लैंड पर रहकर कुछ बिजनेस करेंगे तो बार बार आपको दिवालिया होना पड़ेगा, यानी घाटे पड़ जाएंगे या आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपने बर्थ प्लेस पर रहकर कुछ बिजनेस करते हैं तो। अगर फर्स्ट लॉट 12th में और आप फॉरन में जाके कुछ कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा राइजिंग करेंगे। सो गाइस, ऐसी कुछ कैलकुलेशंस की वीडियोस मैं फ्यूचर में आपके सामने लेकर आऊँगा और जल्दी मैं एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग ऑनलाइन शुरू करने जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे पास है मैं आप लोगों को वो समझा सकूँगा और आप लोगों के साथ वो बांट सकूँगा। सो गाइस, कीप वॉचिंग एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। जय हिंद।